इक्वेशन फॉर ए पोजिशन टाइप रिलेशन, जैसे मैंने टाइप से स्टार्टिंग में ली, एस बराबर है यूपी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम। और ए अपने का कंप्लीट थी जब वेलोसिटी टाइम और आपकी मोमेंट्स थी, वो क्या था, जो एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंतर का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम है ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, पोजीशन। देखिए एरिया यानी ए ओ सी डी बी, एरिया ऑफ ये क्या डेफिनेशन है, क्या ए बी डी पोजीशन। अब इसका एरिया किसे मालूम है, एक तो क्या है रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, तो एरिया होता है रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल समथिंग है ए बी डी। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइन ऑफ ट्रायंगल ए डी गुणा में ए ओ प्लस ट्रायंगल का होता है एक बटे दो बेस को में आई, बेस क्या है ए डी, हाइट क्या है बी डी। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए ए से डी या ओ सी क्या है साइन है गुणा में ओ ए क्या है इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए डी, ए से डी तक क्या है टी प्लस सॉरी गुणा में बी डी, बी से डी प्लस क्या है बी से बी डी,
देखिए तीसरी इक्वेशन हमारी है, इक्वेशन फोर है, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। इक्वेशन फोर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जिस तरह यहाँ से जैक मूव कर रहा है
कौन से प्रोपोज हम किसको बोलते हैं, यानी कि वन है ऑब्जेक्ट है मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वन है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो मतलब कि स्पीड यहां पे यूनिफॉर्म है जैसे चल रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है, हर बार चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन स्पीड क्या है यूनिफॉर्म। सर्कुलर पाथ के बाद ऑब्जेक्ट को करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, और उसका जो डायरेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एट एवरी पॉइंट, और उसको डायरेक्शन कह देते हैं टेंजेंट ड्रॉप के, यहाँ टेंजेंट ड्रॉप के इस डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये हमारी क्या थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर है मोशन। तो हमारा मोशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। Thank you, have a nice day.